हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास आयलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शंस। ये पढ़ने से पहले फ्रेंड्स हम पहले पढ़ेंगे वो है हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है? अब फंक्शन कोई भी फंक्शन होगा एफ एक्स वाई, वो होमोजीनियस होता है अगर उसकी हर टर्म की जो पावर होती है वो सेम हो। तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि जो फंक्शन है वो होमोजीनियस है। इस फंक्शन को किस तरह से लिख सकते हैं फ्रेंड्स कि अगर फंक्शन की पावर एन है तो उस कंडीशन में हमारे पास जो फंक्शन होना चाहिए वो इस तरह से होगा ए जीरो एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर अगर एन माइनस वन है तो वाई की पावर वन होगी, क्योंकि एफ एक्स वाई है टोटल सम जो है पावर का वो एन है। यहाँ पे भी एन है क्योंकि वाई की पावर जीरो है और यहाँ पे एन माइनस वन प्लस वन वो भी वन एन हुआ। इसी तरह ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू वाई टू प्लस डॉट डॉट चलते हुए ये होगा हमारे पास ए एन वाई की पावर एन। तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स कहेंगे कि जो फंक्शन है वो होमोजीनियस फंक्शन है, क्योंकि हर टर्म में जो पावर का सम है वो एन है। तो ये जो फंक्शन है एन ऑर्डर का एक होमोजीनियस फंक्शन है। तो इस ऐसे फंक्शन जो होते हैं वो होमोजीनियस फंक्शन कहलाते हैं। अब फिर हम आयलर थ्योरम क्या कहते हैं फिर से वो देखते हैं। आयलर थ्योरम होते हैं हमारे पास इफ जेड इज अ होमोजीनियस फंक्शन, कोई जेड है जो कि एफ एक्स वाई का एक होमोजीनियस फंक्शन है, यानी फंक्शन एफ एक्स वाई का है जेड। तो उस कंडीशन में ये अगर आयलर थ्योरम के अकॉर्डिंग ये क्या होगा एन ऑर्डर का होमोजीनियस है। ऑर्डर क्या है उसका? ऑर्डर है एन, यानी कि इसमें एक्स पावर एन है, वाई पावर एन माइनस वन, एक्स पावर वन, यानी जो सम है उनका पावर का वो एन है। तो उस कंडीशन में जो होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं वो कहते हैं एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन जेड। इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करे, इस कंडीशन को हर फंक्शन सेटिस्फाई करेगा। आयलर थ्योरम क्या होगा फ्रेंड्स हमारे पास? अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स वाई जिसके ऑर्डर है हमारे पास एन, तो उस कंडीशन में एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन जेड होगा। इसी के साथ इसको यहाँ पे तो हमने दो ही टर्म लिए हैं, एक्स एंड वाई वेरिएबल लिए हैं जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर हमारे पास तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, चार इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो उसके डिसन में क्या होगा, ये जैसे एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स वाई प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई, इस तरह फंक्शन में अगर हम एक टर्म और यूज कर दें डब्ल्यू, यानी तीन वेरिएबल हैं, तो उस कंडीशन में डब्ल्यू डेल जेड अपॉन डेल डब्ल्यू इक्वल टू एन जेड ये होगा। इस तरह से जो फंक्शन होते हैं वो होमोजीनियस फंक्शन कहलाते हैं। होमोजीनियस फंक्शन होगा तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और सिंपली हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका प्रूफ पढ़ते हैं, पहले यहाँ पे हम इसका प्रूफ पढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगर एफ एक्स वाई कोई एन ऑर्डर का फंक्शन है तो उस कंडीशन में इस कंडीशन को कोई फंक्शन सेटिस्फाई करेगा। अब फ्रेंड्स जेड जो है वो इस तरह का फंक्शन है, जेड को हम किस तरह से लिख सकते हैं, जेड जो फंक्शन है वो एफ एक्स वाई है, यानी इसको हम लिख सकते हैं ए जीरो एक्स पावर एन प्लस ए वन एक्स पावर एन माइनस वन वाई प्लस डॉट डॉट चलते हुए ये हो जाएगा हमारे पास ए एन वाई की पावर एन ये हो जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर हम एक्स पावर एन कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स पावर एन कॉमन ले लें तो ये हो गया ए जीरो प्लस ए वन, यहाँ से एक्स पावर एन कॉमन गया तो ये क्या बचा वाई अपॉन एक्स, इसी तरह ए टू वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट चलते हुए ए एन वाई अपॉन एक्स पावर एन माइनस सॉरी एन ये बच जाएगा फ्रेंड्स हमारे पास। अब ये बच गया तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ये लिख सकते हैं एक्स पावर एन कोई फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि फंक्शन जो है वो वाई अपॉन एक्स का हो गया। तो यहाँ पे हमने जेड को इस तरह से डिफाइन कर लिया, जेड बराबर एक्स पावर एन फंक्शन ऑफ एफ वाई अपॉन एक्स। अब फ्रेंड्स हम क्या करते हैं इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालते हैं पहले हम,
पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो एक्स के एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो उस कंडीशन हम क्या कहेंगे, जो वाई है वो कांस्टेंट होगा। तो वो हम कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या ये एक्स पावर एन एफ की एफ डॉट वाई की पावर एक्स, पहले हम एक्स पावर एन का करेंगे तो हो जाएगा एन एक्स की पावर एन माइनस वन, डिफरेंस एन है और इसको छोड़ दिया हमने। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, जब हमने ये टर्म का इस टर्म का कर लिया एक्स डॉट सॉरी यू डॉट वी वाले रूल से कर रहे हैं, अब हमें इस टर्म को छोड़ देना है एक्स की पावर एन और ये हो जाएगा हमारे पास एफ डैश वाई अपॉन एक्स। अब वाई अपॉन एक्स एफ डैश ये तो हमने लिख दिया, बट वाई अपॉन एक्स का क्या होगा फ्रेंड्स, तो इसको मैं अगर हम करना चाहें तो वाई अपॉन एक्स जो होगा वो होगा एक्स एक्स इनवर्स है ये, तो एक्स इनवर्स है क्या होगा, क्यों वाई तो कांस्टेंट है तो वन अपॉन एक्स करना होगा तो ये हो जाएगा एक्स पावर माइनस टू। तो उस कंडीशन में हम इसको लिख सकते हैं एन एक्स पावर एन माइनस वन एफ वाई अपॉन एक्स, यहाँ से ये हो जाएगा माइनस टू है तो ये हो जाएगा प्लस सॉरी माइनस एक्स और माइनस वन का क्या होता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी माइनस का साइन भी बाहर आएगा तो ये माइनस का साइन यहाँ आ गया तो ये हो गया एक्स पावर एन माइनस टू, इसका हमने अंदर ऊपर मल्टीप्लाई किया है एफ डैश वाई अपॉन एक्स। अब ये हो गया फ्रेंड्स हमारे पास, और वाई जो कॉन्स्टेंट था तो वो तो हमारे पास रहेगा ही, डॉट वाई भी मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे वाई कॉन्स्टेंट रहेगा, ये हो गया हमारे पास। अब फ्रेंड्स डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालते हैं हम, डेल जेड अपॉन डेल वाई, इस कंडीशन में क्या है एक्स जो है हमारे पास एज अ कॉन्स्टेंट रहेगा, तो एज अ कॉन्स्टेंट ये एक्स जो है कॉन्स्टेंट है और अब हम यहाँ पे कर रहे हैं तो ये एक्स एन ये कॉन्स्टेंट है इसका तो कुछ होगा नहीं, इसका करना होगा तो एफ डैश वाई अपॉन एक्स। अब वाई अपॉन एक्स का करेंगे तो हमारे पास वाई अपॉन एक्स क्या होगा वन अपॉन एक्स, ये हो जाएगा फ्रेंड्स। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं हम x की पावर n माइनस वन एफ डैश वाई अपॉन एक्स, ये लिख सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ ये दोनों वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं x डॉट डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल एक्स क्या था वो ये था हमारे पास ये वाला टर्म ये, तो इसमें हम x का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल जेड अपॉन डेल वाई निकाल रहे हैं, तो इस कंडीशन में x का मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास n x पावर n माइनस वन और x का मल्टीप्लाई हो रहा है तो x की पावर n f y अपॉन x, ये हो गया। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया तो माइनस x पावर n माइनस x का मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस एक पावर जो माइनस हो जाएगी तो x n माइनस वन रह जाएगा और ये हो जाएगा f डैश y अपॉन x डॉट y, ये हो गया। अब फिर इस कंडीशन में यहाँ पे क्या करें y डेल जेड अपॉन डेल y, यानी y का मल्टीप्लाई करें तो इसमें हमें y का मल्टीप्लाई करना होगा तो y की मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस y और ये हो जाएगा हमारे पास x पावर n माइनस वन एफ डैश y अपॉन x। अब फिर ये टर्म प्लस माइनस है और सॉरी ये माइनस है और ये प्लस है तो ये टर्म दोनों कट जाएंगे क्योंकि इक्वल है, और x पावर n एफ y अपॉन x क्या है हमारे पास ये z के इक्वल है तो यहाँ से हम इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू n तो n डॉट z, तो यहाँ से हमारे पास प्रूव हो गया x डेल z अपॉन डेल x प्लस y डेल z अपॉन डेल y इक्वल टू n z, जो कि हमारे पास आयलर थ्योरम थी। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आयलर थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। थैंक यू।